के बाद अब बैटल ऑफ 370 की बात। आज जम्मू कश्मीर के सदन में 370 का पोस्टर लहराने वाले को धक्के मारकर बाहर निकाला गया। लगातार दूसरे दिन आज भी कश्मीर के सदन में 370 का पोस्टर दिखाने की कोशिश हुई। विवाद बढ़ा तो मार्शलों ने उस विधायक को बाहर निकाला। असल में कश्मीर में कुछ पार्टियों का एक गिरोह है जो 370 पर रुदाली जारी रखे हुए है, पर आज उन्हें उठाकर टांग कर पूरे सम्मान के साथ सदन से बाहर ले जाया गया। विधायक जी को मार्शल धक्के मारकर विधानसभा से बाहर ले गए। पहले सदन के वेल से मार्शल इन्हें उठाकर उनकी सीट तक लाए और जब इन्होंने बैठने की कोशिश की तो सात मार्शल मिलकर इन्हें घसीटते हुए बाहर ले गए। इस दौरान वो जमीन पर गिर गए लेकिन मार्शल रुके नहीं और उन्हें बाहर निकाल दिया। इनका पूरा बायोडाटा सुनिए। ये अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख है जिन्होंने आज फिर 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की। उससे पहले विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। पीडीपी विधायक फयाज मीर ने भी विधानसभा में 370 की बहाली वाले प्रस्ताव का पर्चा लहराया। इसके बाद बीजेपी के विधायक इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए नारेबाजी करते रहे। इसके बाद बीजेपी विधायक ने प्रस्ताव का पर्चा छीनकर फाड़ दिया और इसके साथ ही बवाल बढ़ गए। बीजेपी और पीडीपी विधायक गुत्थम गुत्था हो गए। हंगामे के बीच कुछ विधायक डेस्क पर भी चढ़ गए और उनके बीच हाथापाई भी हुई, जिसके बाद बीजेपी विधायकों को मार्शल ने उठाकर सदन से बाहर कर दिया। सीएम उमर अब्दुल्ला बैठे रहे और पूरे सदन में लगातार हंगामा चलता रहा। जिस खुर्शीद अहमद शेख के 370 वाले पोस्टर से विवाद हुआ, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर उमर अब्दुल्ला और उनके सहयोगी पार्टियों के मंसूबे पर सवाल खड़े किए। एनसी का जो रेजोल्यूशन है उसमें उनके जो अलायंस पार्टनर है, उनके जो इंडिया अलायंस के पार्टनर कांग्रेस जो है वो कहते हैं कि इसमें जो है 370 और हमने 370 और 35A की बात नहीं कही, हमने स्पेशल स्टेटस की बात, तो इसका मतलब है अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। सदन में लगातार वेल में खड़े बीजेपी विधायकों को खींच खींच कर मार्शल बाहर ले गए। इस दौरान वहां नारेबाजी भी होती रही। जो विधायक खुद से नहीं गए उन्हें कई लोगों ने कंधों पर उठाकर बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि इसके बाद भी हंगामा चलता रहा। बीजेपी ने मार्शल की इस कार्रवाई पर सवाल उठाया और कहा कि अब 370 कभी वापस आने वाला नहीं है। 370 का जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, ये इतिहास के पन्नों में जा चुका है और जो इतिहास के पन्नों में जा चुका है वो बस वापस से। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए चुनावों में विपक्ष ने 370 की बहाली को लेकर चुनाव लड़ा था। ऐसी पार्टियों को आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र से संदेश देते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत धारा 370 की वापसी नहीं करा सकती। हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। ये 21वीं सदी के भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर जो माहौल बनाया गया वो अब जिन्ना तक पहुंच गया है। राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, उनके नेता ऐसे हैं जिनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस जाती है कभी कभी, जिनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस जाती है वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। धारा 370 हटा दी गई है। धारा 370 जमीन के नीचे इतनी गहरी गड़ चुकी है उसे खोद के नहीं निकाला जा सकता। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 और 35A की बहाली को लेकर दो प्रस्ताव पेश किए गए थे। बीजेपी इसी पर आपत्ति जताते हुए लगातार विरोध कर रही है और 370 पर लगातार विरोध को लेकर पूरे देश की सियासत का माहौल गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।